मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमडीयू एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस पेपर 2023 का ऑर्गेनिक पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। ओके, तो यहाँ पर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का मतलब है वो कार्बोकेटाइन जिसके पास 3 कार्बन और 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, दैट इज नॉन एज नॉन क्लासिकल। जबकि क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या होता है, जिस कार्बन दैट कार्बन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर केमिकल बॉन्ड्स। ओके, सो ये सारे जितने भी हैं ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, केवल इसको छोड़कर ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है हमारे को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड दैट विल कन्वर्ट दिस कार्बोनिल ग्रुप इनटू द अल्कोहल ग्रुप। ओके, दूसरा है कि जो इसकी पैरा पोजिशन पे, यहाँ कार्बोनिल की पैरा पोजिशन पे यहाँ पर टर्शियरी ग्रुप लगा हुआ है, तो बल्क ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली जब इसका रिडक्शन होगा कार्बोनिल ग्रुप का तो ये एक दूसरे के ट्रांस होने चाहिए और मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा जहां पर ये एक दूसरे से ट्रांस हो, यानी OH ग्रुप और ये वाला जो ग्रुप है वो एक दूसरे के ट्रांस होंगे। तो यहाँ पर देखो 92% में ये दोनों एक 6 पोजीशन पे हैं, तो ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। सेम केस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 52% है, दोनों 6 पोजीशन पे हैं, और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ देखो 92% है वो ट्रांस पोजीशन पे है, ये और ये एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी द थर्ड वन। यहाँ पर 100% 6 पोजीशन पे तो वो पॉसिबल नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज थर्ड वन, ये एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल रिएजेंट फॉर द नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पर नाइट्रेशन है यानी NO2 एरोमेटिक रिंग के ऊपर लगना है, तो इसको हम यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली ये होगा और कंसेंट्रेटेड HNO3 एसिटिक एनहाइड्राइड भी नाइट्रेटिंग एजेंट है, नाइट्रिक एसिड फ्यूम्स और ये भी यूज होता है, तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, दैट इज द पोटेशियम नाइट्रेट एल्कोहलिक, ये यूज नहीं होता है फॉर नाइट्रेशन, तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिस्ट इन मीजोफॉर्म। ओके, तो मीजोफॉर्म में यहाँ पर केवल टार्ट्रिक एसिड है, इसका आंसर हो जाएगा टार्ट्रिक एसिड जो कि मीजोफॉर्म के अंदर रहता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टार्ट्रिक एसिड का ये होता है, तो उसको ध्यान में रखना है, टार्ट्रिक एसिड इज अ मीजो कंपाउंड। ओके, ये टार्ट्रिक एसिड है। ओके, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टार्ट्रिक एसिड और ऑब्वियसली ये प्लेन से अगर हम इसको यहाँ देखें तो दिस हाफ एंड दिस हाफ इज इक्वल और इसको हम कह सकते हैं कि ये मीजोफॉर्म के अंदर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस। सो दिस इज द बेंजोफिनोन इनटू, देखो यहाँ पर क्या पर है कि यहाँ पर CH2 में कन्वर्ट करना है, यानी जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको किसमें कन्वर्ट करना है, दैट इज इन मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो दिस इज द रिडक्शन। सो यहाँ पर जो नेम रिएक्शंस हैं, देखो हाइड्रोबोरेशन में, यहाँ हाइड्रोबोरेशन में बनता है एल्कोहल, तो ये रिएक्शन नहीं होगा ऑब्वियसली, तो इसको ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरविन ये MPV रिडक्शन में क्या होता है कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन होता है इनटू अल्कोहल, तो यहाँ पर भी अल्कोहल ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप है दैट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय दिस रिएक्शन। सो नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पर वुल्फ क्रिस्चनर रिडक्शन एंड द बर्च रिडक्शन। ओके, तो यहाँ पर भी जो वुल्फ क्रिस्चनर रिडक्शन है उसके अंदर बन सकता है ये वाला मिथाइलिन ग्रुप बन सकता है, बट बर्च रिडक्शन इज फॉर एरोमेटिक रिंग्स के लिए होता है केवल। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई एरोमेटिक रिंग है और तो बर्च रिडक्शन इज टोटली रिलेटेड विद द एरोमेटिक रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स, तो वहां पर क्या हो जाएगा दैट विल कन्वर्टेड इनटू लाइक दिस, सो दिस इज द रिडक्शन फॉर एरोमेटिक। तो इससे हो सकता है जो नीड है कि कार्बोनिल ग्रुप को CH2 में, बट यहाँ पर साथ में बर्च रिडक्शन है तो ये भी नहीं होगा। अगेन देयर इज अ हाइड्रोबोरेशन तो अल्कोहल बनेगा और बर्च रिडक्शन है तो वही सेम यहाँ पर हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। देन फोर्थ वन दैट इज द कन्वर्जन रिडक्शन और वुल्फ क्रिस्चनर रिडक्शन, तो ये दोनों ही जो कार्बोनिल ग्रुप है उनको किसमें कन्वर्ट करते हैं, दैट इज इनटू द मिथाइलिन ग्रुप, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी द फोर्थ वन। नेक्स्ट इज विच कंपाउंड विल लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एसिडिक कंडीशन होना चाहिए, यानी कुछ एसिडिक होना चाहिए, ये हमारे पास बेसिक है, ये भी इसका बेसिक नेचर है, यहाँ पर ये जो सॉल्ट है दैट इज बेसिक और यहाँ पर है Cl, तो यहाँ पर ये सी में कुछ एसिडिक है यहाँ पर, तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी द फोर्थ वन। देन द फॉलोइंग रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ, ओके, तो यहाँ पर जो है बेंजीन है और लाइट की प्रेजेंस में उसका रिएक्शन है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में है तो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर ये सारे डबल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स
जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे डबल बॉन्ड्स के, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये होगा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर से ये बॉन्ड ये बन जाएगा, यहाँ पर तो प्रोडक्ट हो जाएगा ये, फिर बाद में ये जुड़ जाएंगे और ये डबल बॉन्ड यहाँ जुड़ जाएगा। तो साइक्लो एडिशन में दो हमारे को रिक्वायरमेंट होते हैं, ये बट ये सिंगल एक ही है, तो इन रिएक्शन भी नहीं है, ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी नहीं है, सिग्मोट्रॉपिक भी नहीं है, दिस इज द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। सो द आंसर इज द फोर्थ वन। देखो इनोलेट ऑन रिएक्शन विद कार्बोनिल, तो इसको हम समझ लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई एक कार्बोनिल ग्रुप है, सपोज एल्डिहाइड है हमारे पास, ठीक है, और इससे क्या होगा, एक इनोलेट CH2CHO, ठीक है, ये हमारे पास, तो इनोलेट ऑन रिएक्शन विद कार्बोनिल कार्बन, ओके, तो ये हमारे पास इसका रिएक्शन हो जाएगा एक और, तो ये हमारे पास बन गया इनोलेट, ओके, और यहाँ पर है कार्बोनिल कार्बन ऑफ एन एस्टर, ये है हमारे पास एस्टर है, तो इसका जो रिएक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ होगा, तो ये यहाँ पर इससे रिएक्शन होगा, ओके, तो ये क्या बन जाएगा, दैट विल फॉर्म, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, और यहाँ से जो प्लस यहाँ से एक और ये सब ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, दैट इज माइनस CH3O नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो दिस इज एल्फा एंड दिस इज बीटा, बीटा पे कीटोन है, so the answer is beta keto aldehyde will be the answer, so answer is the one, first one. Next question is in the following reaction, okay, यहाँ पर हमारा again यहाँ हमारे को एक epoxide ring दी हुई है, एक तरफ NaOCH3 है और दूसरी तरफ है हमारे पास acidic condition में दिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ जो nucleophile है obviously जो nucleophile generate होगा यहाँ से वो क्या होगा, that will be OCH3, ठीक है, ये होगा हमारे पास एक nucleophile, ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले रिएक्शन में जो रिएक्शन फॉलो होगा दैट विल बी द SN2 रिएक्शन, यहाँ पर SN2 रिएक्शन फॉलो होगा, और यहाँ पर क्या SN2 रिएक्शन क्या होगा, जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल गोज टू लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, ठीक है, तो अब जब ये रिंग ब्रेक होगी दोनों तरफ से रिंग अगर जब ब्रेक होगी तो जो ये जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है वो उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास जो लेस सब्स्टिट्यूटेड हो, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा फर्स्ट वाले में इस वाले रिएक्शन के लिए जो रिंग ओपन होगी वो इस साइड में होगी, ठीक है, तो रिंग इस साइड में ओपन होगी तो यहाँ हमारे को क्या मिलेगा, यहाँ मुझे मिलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर सो ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या है, ये CH2 दैट विल बी द पॉजिटिव हो जाएगा, तो अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहाँ लगेगा, वो इस CH2 पे लगेगा, तो फाइनली व्हाट वी गेट दिस, ओके, तो फर्स्ट ए प्रोडक्ट ये होगा हमारा, लेकिन सेकंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, बी क्या बनेगा, बिकॉज ये एसिडिक कंडीशन में, ठीक है, तो एसिडिक कंडीशन में इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा और जो रिंग ओपनिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, बिकॉज यहाँ पर ये लोन पेयर्स हैं और एसिड से वी गेट द एच प्लस साइन, तो यहाँ पर एक एच प्लस यहाँ लग जाएगा, तो एच प्लस लगने से क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो अब यहाँ पर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन है, तो कार्बोकेटाइन में कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी वो वाला देखना पड़ेगा, उसकी स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी, तो अगर ये यहाँ से टूटता है तो यहाँ पर ये हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा, बट अगर ये यहाँ से रिंग ओपन होती है तो वी गेट द टर्शरी कार्बोकेटाइन, तो यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है बिटवीन दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन वो ब्रेकअप होगा और वी गेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये जब यहाँ से ब्रेक होगा तो क्या बन जाएगा, ओके, तो सो कार्बोकेटाइन फॉर्म, दिस विल बी मोर स्टेबल। नाउ अब हमारे पास जो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर अटैक करेगा, सो नाउ दिस न्यूक्लियोफाइल दैट विल अटैक ओवर दिस प्लेस, सो तो यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, तो अब हमारे को प्रोडक्ट देखना है, तो ए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, सो फर्स्ट ए प्रोडक्ट होगा ये, अब इसको देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर है ये, दिस वन, ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा दैट विल बी फोर्थ वन, ओके, हाँ दिस विल बी द आंसर, सो द आंसर इज फोर्थ वन। Next is, which of the following carboxylic acid is more acidic? Okay, तो यहाँ पर हमारे को बताना है कि कौन सा ज्यादा acidic होगा, तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, एक है हमारे पास, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर plus I effect है, यहाँ पर भी plus I effect, यानी यहाँ पर भी electrons will transfer towards the benzene ring होंगे, ठीक है, but अब यहाँ पर एक है NO2 और एक है fluorine, fluorine का भी जो इफेक्ट है दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स विल गोज टुवर्ड्स द रिंग, तो ये सारे जो एसिडिक नेचर है उसको कम करेंगे, बट NO2 है दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप,
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, तो यहाँ से एच का निकलना दैट विल बी मोर इजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी द फर्स्ट वन, दैट इज 78 का आंसर, दैट विल फर्स्ट वन। नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन रिजल्ट्स इनटू, ठीक है, यहाँ पर अगर नाइट्रेशन करा रहे हैं नाइट्रोबेंजीन का, तो उस पर ऑलरेडी एक नाइट्रो ग्रुप अगर लगा हुआ है, ठीक है, अगर वहां पर पहले ही एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो अगर बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है और हम उसका नाइट्रेशन करा रहे हैं, तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट NO2 आएगा वो कहाँ लगेगा, वो मेटा पोजीशन पे लगेगा कम इसके, तो यहाँ पर NO2 लग जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा दैट विल बी द मेटा डायनाइट्रो बेंजीन। सो आंसर विल बी द फर्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा। ओके, तो यहाँ पर पायरोल है, फ्यूरन है, पिपरिडीन है और पिरिडीन है। ओके, तो मोर बेसिक है कि यहाँ पर ये सारे जो अपना लोन पेयर को इजिली दे सके। ओके, तो यहाँ पर सपोज दिस इज द पिरिडीन और इसका लोन पेयर है वो एरोमेटिक डीलोकलाइजेशन में काम में नहीं आता, ये बाहर है, जबकि पायरोल के अंदर जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का वो डीलोकलाइजेशन में काम में आता है। ऐसे ही फ्यूरान का ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है एक, दैट इज यूज फॉर डीलोकलाइजेशन इन द एरोमेटिक, बट इन पिपरिडीन, पिपरिडीन इज दिस और यहाँ पर इसका लोन पेयर होता है, ठीक है। बट यहाँ अगर हम देखें तो ऑब्वियसली इन दोनों का एरोमेटिक जो बेसिक नेचर, बिकॉज यहाँ जो लोन पेयर है वो दैट इज यूज इन डीलोकलाइजेशन, तो इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं है इसका, और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है और ये डीलोकलाइजेशन में काम में आ रहा है, तो इसका भी जो लोन पेयर है दैट इज नॉट सो इजिली अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। अब हमारे पास है एक पिपरिडीन है, एक पिरिडीन है, जहाँ पर लोन पेयर यूज नहीं हुआ है डीलोकलाइजेशन में, बट यहाँ जो कंसेप्ट लगेगा ये जो नाइट्रोजन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जबकि ये वाला जो नाइट्रोजन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, दोनों की नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बट यहाँ पर sp2 है और sp, यहाँ पर sp3, यहाँ पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3, तो यहाँ पर sp3 होने से जो इसका s परसेंटेज है दैट इज वेरी लेस, ठीक है, यहाँ पर केवल 25% इसका एस कैरेक्टर है, जबकि यहाँ पर कितना है दैट इज 33% एस कैरेक्टर है। तो जितना कम एस कैरेक्टर होगा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती, तो दोनों नाइट्रोजन में सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी दैट इज ऑफ दिस नाइट्रोजन, बिकॉज इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3, तो इसका जो लोन पेयर है वो इजिली अवेलेबल होगा फॉर मेकिंग बॉन्ड। सो मोर बेसिक विल बी दिस वन, थर्ड विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड वुड बी मोस्ट रिएक्टिव इन SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन का आप देखो यहाँ पर हैलाइड दिया हुआ है, तो याद रखना है कि यहाँ पर अगर हमारे पास या हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स हो, एल्काइल हैलाइड्स हो, या फिर हमारे पास अराइल हैलाइड्स हो, ठीक है, अराइल हैलाइड्स हो, इन दोनों का SN2 रिएक्शन जो होता है उसका ऑर्डर होता है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है और टर्शरी अराइल हैलाइड कौन सा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर केवल प्राइमरी ये दिख रहा है, सो द आंसर विल बी द सेकेंड वन। देखो यहाँ पर ब्रोमिन यहाँ लगा हुआ है इस कार्बन से, एंड दिस इज द सेकेंडरी, यहाँ पर ब्रोमीन है इस CH2 से, तो ये प्राइमरी हो गया, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर भी प्राइमरी है, बट यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर CH3 ग्रुप और लगा हुआ है, यहाँ पर उसके जो साइड में है वो CH3 ग्रुप और लगा हुआ है, और यहाँ पर ये टर्शियरी हो गया, तो ये भी नहीं होगा इस वाले केस के अंदर। ऑल्दो इट इज प्राइमरी, बट इसके साइड में एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है जो वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि SN2 रिएक्शन इज अ बायोमोलिकुलर वन स्टेप रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये नहीं जाएगा, इसका जो आंसर होगा दैट विल बी द सेकंड वन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है, एंड दिस इज द 1 डिग्री अराइल हैलाइड इज देयर, और इस तरीके से ये भी 1 डिग्री है, बट यहाँ पर इस CH3 की वजह से जो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसकी रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट इज द बेस असिस्टेड फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड फ्रॉम ग्लायोक्सिल इज नेम एज। ओके, तो ये हमारे पास एक नेम रिएक्शन है, अब यहाँ पर हमारे को देखना है कि किस में, यानी ग्लाइकोलिक एसिड है फ्रॉम ग्लायोक्सिल से कैसे बन सकता है, तो ग्लायोक्सिल क्या होता है, दैट इज एच सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लायोक्सिल। ओके, तो इसका
बेस के साथ रिएक्शन है, यानी सपोज NaOH के साथ इसका रिएक्शन है एंड दैट विल फॉर्म ग्लाइकोलिक एसिड. ठीक है, तो ग्लाइकोलिक एसिड क्या होता है, दैट इज HCOH C डबल बॉन्ड OOH और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आ जाएगा. सो दिस इज द ग्लाइकोलिक एसिड. ओके, तो यहाँ पर ऑब्वियसली देखो यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. ओके, तो ये आंसर इसका नहीं होगा. रोजन मोड में क्या होता है कि एसिड क्लोराइड का रिएक्शन होता है और एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट करते हैं इंटू एल्डिहाइड्स, तो ये भी नहीं होगा. देन कैनिजारो रिएक्शन, वहां पर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और बेस की प्रेजेंस में, तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी द थर्ड वन. ठीक है, नोवल जेल में क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन कन्वर्ट होते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स के अंदर होते हैं, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड में, तो यहाँ पर वो प्रोडक्ट हमारा नहीं बना, तो दिस विल आल्सो रॉन्ग ऑप्शन. तो आंसर हो जाएगा दैट विल बी द कैनिजारो रिएक्शन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एनायनिक डिटर्जेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ टॉलीन फ्रॉम पैरा टॉलिडीन. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को क्या कन्वर्ट करना है कि हमारे पास है दस ओके NH2CH3, ये है और इसको कन्वर्ट करना है टॉलीन के अंदर. ओके, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू दिस टॉलीन. तो इसका मतलब है कि हमारे को NH2 को यहाँ से रिमूव करना है. तो अब इसको NH2 को हम यहाँ से कैसे रिमूव कर सकते हैं, हमारे पास देखो ऑप्शंस क्या है, एसिडिफिकेशन फॉलोड बाय हाइड्रोजनेशन है, दूसरा है एसिडिफिकेशन फॉलोड बाय रिएक्शन विद एनी BH4 है, यह भी रिडक्शन है, डायल्टाइजेशन फॉलोड बाय हाइड्रोजनेशन है, और एक है डायल्टाइजेशन फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद H3PO4. ओके, तो यहाँ पर देखो इनसे नहीं बन सकता, यहाँ हमारे को बनाना, इसमें हम इसमें दो यूज कर सकते हैं. लेट्स सी, तो इन दोनों में से कौन सा होगा, देखो हाइड्रोजनेशन है और यहाँ पर H3PO2 है, तो यहाँ हम डाइजोनियम सॉल्ट बना के इस NH2 को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डायल्टाइजेशन फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विद H3PO4, इसका आंसर होगा दैट विल बी द फोर्थ वन. कैसे होगा, जब हम इसका डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे यानी 0 to 5 degrees Celsius इन प्रेजेंस ऑफ HNO2, ये बन जाएगा हमारा डाइजोनियम सॉल्ट. तो NH2 ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस, इसमें हो जाएगा, बाकी CH3 एज इट इज इस पे लगा रहेगा. ठीक है, अब हमारे को इसको रिमूव करना है और इसको रिमूव करने के लिए वी रिक्वायर्ड H3PO2. जब हम इसकी प्रेजेंस में H3PO2 से इसका रिएक्शन करेंगे तो ये निकल जाएगा और केवल हमारे पास बचेगा दैट इज CH3, बाकी N2 प्लस HCl प्लस H3PO3, ये सब निकल जाएगा. तो हमारे पास जो बनेगा दैट इज टॉलीन बनेगा. सो द आंसर विल बी द दिस फोर्थ वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्कोनिकोफ रूल एडिशन ऑफ HCl टू प्रोपीन इन्वॉल्व. देखो यहाँ पर मार्कोनिकोफ रूल लगाना है और हमारे को बताना है कि जो HCl है प्रोपीन के साथ उसका रिएक्शन क्या होगा, तो इसमें क्या बनेगा वो पूछा. ओके, सो वी हैव अ प्रोपीन दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ओके, अब इसका जो रिएक्शन है वो है HCl के साथ, HCl के साथ रिएक्शन है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी द प्लस एंड दिस इज द नेगेटिव. ओके, सो जब इसका रिएक्शन होगा तो बिकॉज ये जो हमारे पास एल्कीन है यानी प्रोपीन है वो क्या देती है, दैट इज गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी डबल बॉन्ड पे उसका इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होना है. ओके, तो यहाँ पर जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, दैट विल बी, सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, वो H+ लगेगा. कहाँ पर लगेगा, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे तो नेगेटिव एंड दिस विल बी द पॉजिटिव, तो CH यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा CH3. तो देखो ये कौन सा कार्बोकैटायन बन गया. ठीक है, तो ये हमारा जो बनेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल कैटायन, तो दिस विल बी द आंसर. इनिशियल अटैक ऑफ क्लोराइड आयन नहीं होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है और क्लोराइड आयन क्या है, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल, तो ये नहीं होगा. आइसोमराइजेशन ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन, ये नहीं होगा, एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोपाइल कैटायन CH3 CH2 CH2 प्लस, तो वो होता हमारा प्रोपाइल कैटायन, तो ये भी नहीं होगा. तो आंसर विल बी द सेकंड वन. नेक्स्ट इज
Which of the following compound will give methyl vinyl ketone by aldol condensation followed by the dehydration on CH, C double bond O and CH3, यानी प्रोडक्ट हमारा ये बनना चाहिए. तो ऑब्वियसली इसके लिए हमारे को एक चाहिए कीटोन, ठीक है, एक हमारे को कीटोन चाहिए और एक हमारे को फॉर्मल्डिहाइड चाहिए. तो यहाँ दो टू मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. अब दोनों रिएक्शन में इसमें से हमारे को देखना है. ओके, तो यहाँ पर देखो ये कीटोन साइड में है, तो ये भी आंसर इसका आंसर नहीं होगा. आंसर होगा दैट विल बी द सेकेंड वन. कैसे होगा देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले कीटोन ये यूज होगा क्योंकि देखो एल्डोल कंडेंसेशन है और एल्डोल कंडेंसेशन और ये भी मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन है. तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर इसी के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो पहले ये यूज होगा. तो कैसे यूज होगा, तो सो दिस इज द कीटोन. ओके, तो बेस की प्रेजेंस में यानी एनएच की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन है. ये क्या बनेगा, दैट विल गिव यू CH2. यहाँ से एक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये इनोलेट आयन बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है. ये हमारा इनिशियल बन जाएगा. अब उसके बाद इसका जो रिएक्शन होगा वो होगा दस फॉर्मल्डिहाइड के साथ. तो फॉर्मल्डिहाइड, अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो इसके साथ इसका रिएक्शन होगा, दैट विल बी द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा इसका. तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, दिस विल बी द पॉजिटिव है. तो ये दिस इज द न्यूक्लियोफाइल एंड दैट विल गोज टू दिस कार्बन. तो यहाँ पर ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये एच हो जाएगा, सी यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये सपोज हाइड्रोजन है और इससे सारा ये जुड़ जाएगा, दैट इज CH2, सी डबल बॉन्ड ओ एंड CH3, ठीक है. फिर ये इसका दैट विल कन्वर्ट, दिस पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, तो ये अल्कोहल हो जाएगा. लेकिन अब यहाँ पर देखो यहाँ दिया हुआ है डिहाइड्रेशन, तो यानी इसका डिहाइड्रेशन अगर हम करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे तो ये OH और यहाँ से ये एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी रिमूवल ऑफ H2O. तो जब यहाँ से जाएगा तो ये क्या रह गया, यहाँ पर रह गया CH2 और यहाँ से OH गया और एक हाइड्रोजन गया, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, दैट विल बी द CH और C डबल बॉन्ड O एंड CH3. तो ये हमारा डिजायर प्रोडक्ट है, दैट इज द दिस इज द विनाइल पार्ट, दिस इज द मिथाइल पार्ट. तो मिथाइल विनाइल कीटोन, दिस विल बी द आंसर. तो आंसर इज सेकेंड वन. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव पॉजिटिव मॉलिश टेस्ट. ओके, सो यहाँ पर मॉलिश टेस्ट कौन देंगे, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, तो ये भी देगा. मैनोज इज ऑल्सो शुगर है, गैलेक्टोज इज ऑल्सो शुगर है, बट दिस इज नॉट अ शुगर. तो ये आंसर इसका हो जाएगा, ये मॉलिश टेस्ट नहीं देगा. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉस लिंकिंग. ओके, यहाँ पर ऐसा है कि कौन सा क्रॉस लिंकिंग नहीं होता है. ओके, तो बेकलाइट है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द फिनॉल एंड द फॉर्मल्डिहाइड, उससे है और वो क्रॉस लिंकिंग होता है. वल्कनाइज्ड रबर है, उसमें क्रॉस लिंकिंग होती है. सल्फर की और मेलामाइन के अंदर भी क्रॉस लिंकिंग होती है, केवल पॉलीथीन है जिसमें क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है, ठीक है, वो लीनियर होता है. तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वन, दैट इज द पॉलीइथाइलीन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग हैव मैक्सिमम रिंग स्ट्रेन. ठीक है, तो सबसे कम कार्बन का जो रिंग होगी उसी में सबसे ज्यादा स्ट्रेन होता है. तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी द साइक्लोप्रोपेन, दैट विल बी द आंसर. ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेन इसके अंदर होगा, तो आंसर हो जाएगा दैट विल बी द साइक्लोप्रोपेन रिंग. द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, तो हेलिकल जो स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन्स का, उसमें आपस में वो जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, दैट इज बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, इसको याद रखना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से उनकी स्टेबलाइज होते हैं. सो जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी द थर्ड वन, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट गिव ओनली ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलाइसिस. ओके, तो यानी हमारे पास कोई डाइसेक्राइड है और डाइसेक्राइड का अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो केवल ग्लूकोज कौन सा देगा. ठीक है, ग्लूकोज कौन सा देता है, वो होता है माल्टोस. सो आंसर हो जाएगा दैट विल बी द थर्ड वन. ठीक है, गैलेक्टोज इज द मोनोसेक्राइड, सुक्रोज हमारे को देगा, क्या देगा, दैट विल गिव यू ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज देता है. जबकि लैक्टोज क्या देगा, लैक्टोज हमारे को देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. ठीक है, गैलेक्टोज. तो माल्टोज हमारे को टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देता है और गैलेक्टोज खुद एक मोनोसेक्राइड है, तो उसका हाइड्रोलाइसिस फर्दर नहीं हो सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लू शिफ्ट इन यूवी इज ऑल्सो कॉल्ड एज 92. हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा, ब्लू शिफ्ट को हम कहते हैं एप्सोक्रोमिक
शिफ्ट कहते हैं, तो उसको याद रखना है, ब्लू शिफ्ट इज अ हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है। तो आंसर विल बी द 92 का, दैट विल बी द दिस फोर्थ वन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट विल एनहांस द बेसिसिटी ऑफ फिनॉल। ओके, तो बेसिसिटी ऑफ फिनॉल यानी जो फिनॉल है वो एसिडिक भी है, शो कर सकता है, और बेसिक नेचर भी शो कर सकता है। एसिडिक कब करेगा, जब इस पे कोई, इस रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, और बेसिसिटी कब होगी, जब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ हो। ठीक है, तो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है, ये विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, तो ये एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा। ऐसे ही ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये भी एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा। CN भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और केवल मिथाइल जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये इसकी बेसिसिटी को बढ़ाएगा। तो दैट विल बी द आंसर, दैट इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट थर्ड पोजीशन। ओके, तो हमारे पास ये हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, आंसर होगा दैट विल बी द सेकंड वन, जो इंडोल है वो थर्ड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, सो दैट विल बी द आंसर। ये IR से पूछा है, IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल इन केस ऑफ एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो एसिटाल्डिहाइड यानी CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग पूछी है इसकी, और यहाँ पर हमारे को देखो, यहाँ पर बिल्कुल साफ क्लियर है कि जो भी C डबल बॉन्ड O है यानी कार्बोनिल ग्रुप है, उनकी रेंज 1700 और इसके बीच में रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1750 से लेकर 1750 to 1700, दैट विल द आंसर। ये तो नहीं होता, ये तो साफ इसी क्वेश्चन है, इसमें तो साफ क्लियर दिया हुआ है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, IR से ही पूछा है, इसमें पूछा है IR में OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। ठीक है, देखो OH की ब्रॉडबैंड मिलता है हमारे को IR के अंदर, और दैट विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही ब्रॉडबैंड ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन से कौन सा रिलेटेड नहीं होगा, तो यहाँ देखो जो इसका आंसर हो जाएगा दैट विल बी दिस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन पे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दैट विल बी द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाती है, दैट विल बी द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन कितना ही बढ़ा दें या कम कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे पास है इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पर, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर विल बी द दिस थर्ड वन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव टू सिग्नल्स इन NMR स्पेक्ट्रा। तो ये NMR से पूछा हुआ है, तो फर्स्ट वन इज दिस CHO, और यहाँ पर भी इनके दो सिग्नल्स किसके आएंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें, तो जो ये हाइड्रोजन्स हैं और इसका हाइड्रोजन्स का, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये आंसर यही हो जाएगा फर्स्ट वन, क्योंकि एक ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का सेट हो जाएगा और ये चारों इक्विवेलेंट प्रोटॉन का सेट हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो यही होना चाहिए। बाकी हम देखते हैं इसमें, यहाँ पर एक आएगा सिग्नल इसका, एक आएगा इसका, और बाकी इनके आएंगे, तो यहाँ पर तो दो से ज्यादा आएंगे, तो ऐसे ही एक इसका आएगा, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर CHO ग्रुप लगा हुआ है, तो एक इसका, एक इन दो का, और इन दो का, तो यहाँ पर भी तीन हो गए हैं। ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों का एक आएगा, इसका अलग आएगा, और इन तीन का अलग आएगा। ओके, इन तीन का अलग आएगा, तो यहाँ पर भी थ्री सिग्नल्स आएंगे, इसमें भी थ्री सिग्नल्स आएंगे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी द फर्स्ट वन। यहाँ पर केवल हमारे को दो सिग्नल्स मिलेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हायर लैम्डा मैक्स। ओके, तो लैम्डा मैक्स विल डिपेंड अपॉन द कॉन्जुगेशंस, जितने ज्यादा कॉन्जुगेशंस होंगे उतना ही उसका लैम्डा मैक्स ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहाँ पर है, और यहाँ पर एक एक्सटेंशन है, ऐसे इधर भी है और इधर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर और एक्सटेंड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और इस वाले में देखो यहाँ पर भी है, और यहाँ पर देखो फिनाइल रिंग है। ठीक है, तो फिनाइल रिंग, इसका मतलब एक और फिनाइल रिंग होने से और ज्यादा यहाँ पर कॉन्जुगेशन। ठीक है, यहाँ पर भी देखो उतना ही है, 1, 2, 3 और एक ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो 1, 2 and 3, और इसको भी लें, तो यहाँ पर ज्यादा कॉन्जुगेशन, तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वन। सो दिस विल बी द आंसर। द नंबर ऑफ पीक्स ऑब्जर्व्ड इन
प्रोटोन एनएमआर ऑफ CH2O2। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या गया दिया हुआ है, दैट इज द ड्यूटेरियम दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ हमारे से पूछा है कि कितने हमारे को सिग्नल्स इसमें मिलेंगे। तो ड्यूटेरियम का जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सो इट विल स्प्रेड द प्रोटोन सिग्नल्स, उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2 × I, और यहाँ पर n नंबर ऑफ ड्यूटेरियम प्लस 1, ये होगा इसका फॉर्मूला इसके हमारे को निकालने के लिए। तो यहाँ पर इसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो 2 × यहाँ पर हमारे पास 2 यहाँ है और 1 यहाँ पर है। ठीक है, तो दैट विल बी 2 × 1 + 1, तो ये हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 5। सो यह हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज पेंटेट, तो आंसर इसका पेंटेट हो जाएगा। सो दिस इज द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ ईयर 2023 ऑफ MDU यूनिवर्सिटी।